Good morning everyone, how are you all and welcome back to another vlog. So this is your boy Shine Sunny. If you are new over here, first subscribe, share and pull the notification button on. हाँ जी, तो शुरू करते हैं आगाज़ व्लॉग. और आज सनी डे, बट ऑफकोर्स इट्स अ विंटर इन जापान, तो सर्दी तो है भाई. तो मैं एक गाड़ी आया था शिप करने के लिए ऑक्शन के अंदर, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ. मेरे पीछे चेक कर सकते हो, ये है वो गाड़ी जो मैं शिप करने के लिए आया हूँ. तो इसका नाम है टोयोटा वॉक्सी, ठीक है. तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर. आप लोगों को इस गाड़ी की डिटेल देता चलूँ, ये है 2000 सीसी के अंदर, ठीक है. और ये गाड़ी है 2006 का मॉडल, ठीक है. और इस वक्त ये गाड़ी सिल्वर कलर के अंदर है, ठीक है. आप देख सकते हो ऑब्वियसली कलर मैंने बड़ी अजीब भी बात कर दी है, क्योंकि व्लॉग करते करते कभी कभार जो है ना गलती इंसान से हो जाती है. तो सॉरी यार, मेरी मिस्टेक्स को थोड़ा सा जो है ना इग्नोर कर दिया करो, ठीक है. और ये है जी 8 सीटर, ठीक है. 8 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं. गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हो, फुल पप्पू लहरें वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है. तो इस गाड़ी को हम डालेंगे इस ऑक्शन के अंदर. तो अब आपको दिखाता हूँ, ये इस वक्त इस गाड़ी पर जो है नंबर प्लेट लगी हुई है, ठीक है. और अगर इसकी डिग्गी खोलते हैं तो जी इसका पीछे का सीन इस तरह का है कि यहाँ पे इसकी जो पीछे की सीटें ये फोल्ड होके यहाँ पे हैंग हो जाती हैं, जो कि इसके अंदर हैंगर का ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर आता है. तो अगर इसको आप डाउन कर लो तो 2 बंदे पीछे बैठ सकते हैं. आगे वाली सीट पे जो है जी, अच्छा इसका दरवाज़ा आपने जो है खोलना है, उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो तो इस पर 3 बंदे बैठ सकते हैं. बनिस्बत अभी मैंने आर्म रेस्ट खोला हुआ है तो 2 बंदों के लिए, और आर्म रेस्ट ऊपर कर दो तो 3 बंदे हो गए. और फ्रंट पे आगे जो है 2 लोग बैठ सकते हैं. तो काफ़ी कैपेसिटी मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर, और बहुत खुली डुली गाड़ी है. और साइड पे आप जैसे आप देख सकते हो, ये जो है ना फैब्रिक का टच ब्लैक कलर का, और बाकी ये वही प्लास्टिक वाला सीन. यहाँ पे आपको काफ़ी जो है ना स्टोरेज बॉक्सेस वगैरह मिल जाते हैं इसके अंदर, इस गाड़ी के अंदर. आप आगे भी जैसे इसके ग्लव बॉक्स हो गया, ग्लव बॉक्स से नीचे भी आपको स्टोरेज बॉक्स मिल गया, यहाँ भी आपको स्टोरेज बॉक्स मिल गया. ये आप खोलो जी, यहाँ भी आपको कुछ रखने के लिए मिल गया. पता नहीं यहाँ पे क्या रख सकते, मेरे समझ से बाहर, इतना बड़ा ये क्या हो गया यार. एनीवेज, यहाँ भी आपको स्टोरेज बॉक्स मिल गया, यहाँ पे आप अपनी सिगरेट विगरेट पी सकते हो भाई. ये आपके जो है कैन होल्डर्स मिल गए, दो है कि नहीं. फिर आपको यहाँ भी जो है ना स्टोरेज बॉक्स मिल गया, और यहाँ भी स्टोरेज बॉक्स मिल गया. मतलब यार ये गाड़ी जो है ना पूरी स्टोरेज बॉक्स से भरी हुई है, इतनी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर, मतलब क्या ही बोलूँ मैं. पीछे वाली सीटों पर भाई आप आ जाओ, यहाँ पर आपको हैंग करने के लिए भी मिल जाता है भाई. यहाँ पर आप जो है ना अपना सामान मन रख सकते हो, जो कि 4 kg तक का. वाओ, ठीक है जी. साइड दरवाजों पे आप बात करें, यहाँ पे कप होल्डर, और यहाँ पे भी आपको जो है ना सामान रखने की जगह, जो कि बहुत ही कम है इतनी बड़ी गाड़ी में. कम से कम पीछे तो यार कम से कम सामान रखने की जगह तो देनी चाहिए. अजीब ही लोग हैं भाई, क्या बोले टोयोटा वाले. खैर जी, पीछे आपको एसी वेंट्स वगैरह मिल जाती है यहाँ, जो कि पीछे वाले भी इंजॉय कर सकते हैं. अपना खुद का कूलर रेयर यहाँ से स्विच करके, क्या बात है जी, क्या बात है. सेंटर में यहाँ पे लाइट, जो कि मीरा में डायट्सो वगैरह में आती है, बड़ा ही इन्होंने कॉपी करा है टोयोटा वालों ने, शर्म की बात है. आगे भी लगी हुई है. अब जी बात कर लेते हैं फ्रंट की. यहाँ पे इसके अंदर जो है नेविगेशन लगा हुआ है, और इसके अंदर है बैक कैमरा. टी वगैरह चलता होगा भाई, मैंने तो खैर नहीं यूज़ किया, बाकी ऑक्स वगैरह लगा हुआ है. ब्लूटूथ नहीं है इसके अंदर, बाकी एसडी कार्ड वगैरह लगता है, एसडीडी वगैरह है. एसी आप यहाँ से जो है ना स्विच विच कर सकते हो. गियर शिफ्ट का इसका यहाँ पे लगा हुआ है. स्टेयरिंग आप देख सकते हो. दूसरा, आप इसको भाई मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हो, बड़ी बात है भाई. इस गाड़ी के अंदर ये भी है, जो कि लगा हुआ है स्टीयर शिफ्ट मैटिक यहाँ से. वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या बात है. अच्छा जी, एक और ग्लव बॉक्स भी आपको दिखा देता हूँ, छोटा सा, वो यहाँ पे लगा हुआ है, जिसके अंदर लगी हुई है ईडीसी. वाह, स्पीकर चेक नहीं करें, अच्छे ही होंगे, इतनी बड़ी गाड़ी है वो नहीं चाहिए. यहाँ पे आपको जो है अपना सनग्लासेस वगैरह रखने के लिए यहाँ पे बॉक्स मिल जाता है. और यहाँ से फ्रंट की 2 लाइटें, मतलब पीछे की सेंटर में इतनी अच्छी कर दी, चलो पीछे इतनी अच्छी कर दी, यहाँ भी आगे भी 2 अच्छी कर देते, मतलब बिल्कुल ही कोई सड़ी हुई लाइटें लगाई हैं. थोड़ा अच्छा लग रहा है जी, ये ग्रेश और सिल्वर कलर का है, और यहाँ पे जो है ना ये सिल्वर क्रोम पट्टी आपको मिल जाती है. और सेम एज इट इज मैचिंग के लिए यहाँ पे आपको शीशे पे भी मिल जाता है. टायर चेक करो, है कि नहीं ज़बरदस्त किस्म के. मतलब यार लहरें बहुत ही सूट कर रहा है इस पट्टी के ना, ये जो सिल्वर और ब्लैकिश का जो एक लुक दे रहा है ना इस गाड़ी को, मुझे लग रहा है इसका थोड़ा सा ये कोई अपग्रेडेड वर्जन होगा इसलिए ज़रा बॉडी के टाइप का इसका जो है ना. फ्रंट ग्रिल आप देखो ना, ऐसी नहीं लग रही. पता नहीं यार, मैंने खैर वॉक्सी रखी नहीं है और ना ही कभी शौक रहा इन गाड़ियों का. लाइट ऐसी होती है भाई. और जी पीछे इसके अंदर है क्या ये भी देख लेते हैं. पीछे जो है यहाँ पे आपको सामान रखने की जगह एक मिल जाती है. आप लोगों को इंजन रूम दिखा देता हूँ, उससे पहले इंजन रूम खोलने के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है, ठीक है. और यहाँ से आप इसकी फ्यूल गेज खोल सकते हो. तो जी खोलते हैं इसका इंजन रूम और आपको दिखाता हूँ इसका इंजन रूम. बड़ी कोई गंदी हालत हो रही है यार, आप लोगों को इंजन रूम दिखाने के चक्कर में जो ना हाथ पूरे काले करा लिए. वैरल भाई देख सकते हो भाई, ये है भाई इसका बड़ा सा इंजन, जो कि 2000 सीसी के अंदर है. वाह क्या बात है भाई, क्या कहने. अब बात कर लेते हैं फाइनली के इस गाड़ी को मैं करने लगा हूँ शिप.
तो इस तरह की जो ये ऑक्शन शीट होती है गाड़ी की, आप यहाँ पे देख सकते हो इस गाड़ी का जो है ना, ये आ गया चेसिस नंबर, कितने सीसी है, कितने इसके दरवाजे हैं, क्या इसकी गाड़ी का नाम है, और ये ऑटोमेटिक शिफ्ट है कि क्या इसके अंदर एसी है कि नहीं है, इसके अंदर सेल्स पॉइंट क्या क्या है जो मैंने लिख दिए कि जी बैक कैमरा ETC और अरुमी ऑयल जो इसके अंदर वो लगे हुए, अपना क्या कहते हैं एल्यूमी के जो टायर लगे हुए जो है पेट्रोल पे, तो इधर गैसोलीन पे जो है इधर मारू कर दिया है, गैसोलीन पे सॉरी मैंने गैसोलीन बोल दिया। इसकी रिसाइकिल कितनी जाती है वो रिसाइकिल लिख दी, कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं हाची नूरी कहलाती है कि 8 लोग इसमें बैठ सकते हैं, तो हाची नीन लिख दिया। इसका फ्रेम नंबर आ गया इतना सारा सेंटीमीटर वगैरह, ये करने के बाद मैं इस गाड़ी को डालूंगा 30 मैक्स के अंदर जो कि कहलाता है सांजू मैक्स। अभी मैंने जो है प्राइस वगैरह इसकी डिसाइड नहीं की है, फिलहाल अभी ये सोचा है कि भाई 30 मान में डाल के इसको जो है 8 मान से गाड़ी ये जो है स्टार्ट कर उरीगिरी लगवा दूं इसके ऊपर 8 मान के बाद। सांजू मैक्स का मतलब क्या है कि ये 30 मान तक गाड़ी ऑटोमेटिकली बिक जाएगी अगर मैं इस गाड़ी को कुछ नहीं करता हूं, अगर इस गाड़ी का प्राइस इतना है तो। लेकिन मुझे पता ऑब्वियसली इस गाड़ी का इतना प्राइस नहीं है क्योंकि ये एक्सपोर्ट की गाड़ी है, ये जाती है चिली, तो ये चली हुई है बेसिकली इस वक्त 9 मान। 9 मान का मतलब है 90,000, तो बहुत कम गाड़ी चली हुई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई इस गाड़ी के रेट इतने नहीं है, वो तो मुझे पता था, लेकिन इस गाड़ी पे जो है नंबर लगा हुआ रजिस्टर्ड हुई है गाड़ी इस साल के 11वें महीने तक की, तो ये इसका जो है एक गाड़ी पे प्लस पॉइंट मिल गया है मुझे। फिर उसके बाद हमने 8 मान से जो है इस पे उरीगिरी लगा दी, 8 मान से ऑटोमेटिकली ये बिकना शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि इसको वहां से कितने तक बेचनी है। अगर मेरे प्राइस पे गाड़ी आई तो मैं इसको बेच दूंगा, नहीं आई तो मैं नहीं बेचू। तो बस एक छोटा सा था, मैंने कहा भाई चलो गाड़ी भी आप लोगों को दिखाऊं और एंजॉय भी कराऊं कि भाई ऑक्शन में गाड़ी किस तरह शिप करते हैं। तो जी ये है जी वो फाइनल, इस तरह ऑक्शन शीट होती है और इस तरह जो है हम गाड़ी जो है शिप करते हैं ऑक्शन के अंदर। मेंबरशिप नंबर वगैरह वो सारी चीजें वो लिखनी है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ये गाड़ी जो है इंस्पेक्ट होगी और फिर ये चढ़ जाएगी इंटरनेट के ऊपर 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, अगर मैं जल्दी डाल देता हूं तो 1 हफ्ते पहले से भी डल सकती है गाड़ी। बहरहाल मैं जरा बिल्कुल आखिरी टाइम पर डाल रहा हूं, तो 2 दिन पहले चढ़ जाएगी गाड़ी ये, और सैटरडे को फिर ये ऑक्शन होगा। तो जिसके पास अगर कंप्यूटर पर एक्सेस है तो वो अपने कंप्यूटर से चेक कर सकता है, अभी ये गाड़ी चढ़ गई है और इतने बजे ये गाड़ी आएगी। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ फिर नए व्लॉग के साथ, और हाँ फिलहाल इस वक्त बज रहे हैं जी 9:05 सुबह के, और मैं इस वक्त जो है वेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनका ऑफिस खुलेगा तो मैं अंदर जाऊंगा दोबारा ये सीट लिखवा के, फिर ये गाड़ी जो है ऑक्शन के अंदर जाके शिफ्ट करूंगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक्वा की वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे लिंक पे आपको ऊपर के मिल जाएगी, तो वो भी जाके देख लेना भाई, और मैं आपसे मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सन राइज जापान, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।